Hey everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to do this practical makeup look for everyday college purpose. और ये जो video request की थी मुझको वो आई थी अदिति की तरफ से. उन्होंने बोला कि उनके 11th के college शुरू होने वाले हैं तो कोई makeup look suggest करिए. So ये जो makeup look है ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेकअप लुक है जो कि मैं किया करती थी व्हेन आई यूज़ टू गो टू कॉलेज. तो मुझे लगा कि यही एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मॉर्निंग में 5-10 मिनट मिलना ही अपने में एक टास्क होता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं. मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा हबड़ तबड़ रहती है लास्ट मिनट पर. सो मैंने ये मेकअप लुक किया है. आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आपके जो कॉमेंट है वो अपनी अपकमिंग वीडियो में फीचर करूँ, सो कोई भी मेकअप वीडियो या जो भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ कॉमेंट बार में बता दीजिए. उसके बेसिस मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके कमेंट को मैं अपने अपकमिंग वीडियो में फीचर करूंगी. सो यस, विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द ट्यूटोरियल. तो सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर दीजिए. मैंने अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज किया हुआ यूजिंग द निविया क्रीम. वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर है डे टाइम के लिए. और नाइट टाइम के लिए आई यूज़ बोरोलिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड माई स्किन टाइप. कि अगर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है तो मैं जो ग्रीन कैप वाला बोरोलिन होता है वो लगाती हूँ. अदरवाइज अगर मेरी स्किन ओके है, जैसे अभी मेरी स्किन काइंड ऑफ ओके है, तो मैं जो सॉफ्ट बोरोलिन आती है, सॉफ्ट बोरोलिन क्रीम, वो लगाती हूँ. और मेकअप बेस के लिए मैं यूज़ करूँगी काया की सीसी क्रीम. आई सजेस्ट यू गाइज़ टू यूज़ सीसी क्रीम और बीबी क्रीम क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ब्लेंड होती है, हैंडी होती है. और इसमें SPF भी होता है तो आपको ज़रूरत नहीं होती और दूसरा SPF लगाने की. अगर आप चाहें तो डेफ़िनेटली लगा सकते हैं, बट मुझे उतना पसंद नहीं आता कि मैं 3-4 लेयर लगाऊं, फिर उसको ब्लेंड करूं और फिर यू नो उसको सेट करूं. सो इसीलिए मैं हमेशा वैसे प्रोडक्ट को परचेज़ करती हूं जिसमें कि ज़्यादातर SPF हो. आई एम टेकिंग दिस काया सीसी क्रीम एंड दिस इज़ इन शेड एंड आई एम इन शेड आइवरी. सो यप, आई एम टेकिंग इट लिटिल बिट ऑन माई हैंड क्योंकि कॉलेज जाते टाइम पर इतना टाइम तो नहीं होता कि आप मतलब फाउंडेशन लें और उसको ब्लेंड करें और फिर अच्छे से सेट करें. क्योंकि फाउंडेशन का अच्छे से अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीजी लगेगा, केकी लगेगा. और सेट नहीं किया तो बहुत ही जल्दी क्रीजेस आ जाएंगे. सो इससे अच्छा है कि आप लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जैसे कि बीबी क्रीम और सीसी क्रीम. आजकल तो मार्केट में हर तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो मैं अपने फिंगर से ही इसको डॉट कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस. और पहले फिंगर से ही मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी, उसके बाद मेकअप ब्रश से मैं इसको एक बार और ब्लेंड कर लूँगी. जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं इसी तरीके से मतलब मेकअप क्या करती थी. मतलब उस टाइम पे तो हम लोग इतना मेकअप का मुझे आइडिया भी नहीं था. लेकिन मैं जो अभी मेकअप दिखा रही हूँ वो काफ़ी कुछ सिमिलर है जो मैं उस टाइम पर किया करती थी. बट हाँ, उस टाइम पर बीबी क्रीम और सीसी क्रीम तो नहीं होते थे तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती थी और लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के और बस थोड़ा सा काजल लगाया. उस टाइम मुझे काजल बहुत पसंद था बट अभी मुझे काजल उतना पसंद नहीं आता. सो और नेक पे प्रोडक्ट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें. और जैसे कि अभी मेरा जो बेस है वो उतनी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, उसके लिए मैं मेकअप ब्रश से इसको अच्छे से एक बार ब्लेंड कर देती हूँ. आई वी ये टाइप का जो मेकअप है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है. मतलब अगर आप मॉर्निंग में कॉलेज जा रहे हैं या इनफैक्ट ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा क्या ही करना चाहेंगे. और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए. सो आई फील दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल मेकअप लुक. अभी मेरा जो सीसी क्रीम है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है और सब इसके बाद में मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लेती हूँ. बिकॉज मुझे लगता है आईब्रो, एक ग्रूम्ड आईब्रो जो होती हैं वो काफ़ी कुछ आपके लुक को इन्हेंस कर सकती है. तो इसीलिए आई नेवर फॉरगेट टू डू माई आईब्रोज. और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल. क्रीम पेंसिल इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ईजी होती है आपको अपनी आईब्रो करने के लिए. पाउडर प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए अगेन आपको ब्रश चाहिए, फिर 3-4 चीज़ें चाहिए, फिर उसको अच्छे से लगा के फिर ब्रश आउट करना पड़ेगा. सो इससे अच्छा है कि एक प्रोडक्ट लीजिए और आपके सारे काम हो जाएंगे. तो मैं बिल्कुल लाइट हैंड से जो जो गैप्स हैं बस उन्हीं को फिल कर रही हूँ. ज़्यादा कुछ बोल्ड आईब्रो मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि एवरीडे मेकअप लुक है और मेरे लिए इट्स लाइक नो मेकअप लुक. और उसके बाद में बस विद वेरी लाइट हैंड मैं अपनी आईब्रोज को ब्रश कर दूँगी ताकि वो जो मैंने
आईब्रो अपनी फिल की है वो अच्छे से दिखें, ज़्यादा पैची और अनइवन नहीं दिखें, राइट। उसके बाद अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है सो आपको वो कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए ही होगा। मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ी सी ड्राई है, कभी कभी ऑयली भी हो जाती है, सो इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पे कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद मेरा फेस ऑयली हो जाता है। अगर आपका फेस बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑयली है तो आप अपने बेस को अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर से सेट करना ना भूलें। सो मैं अपना अभी फेवरेट जो कि अब ऑलमोस्ट खाली हो गया है कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वेरी का, और मेरा जो टी जोन है वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है आफ्टर सम टाइम, तो मैं इसको सेट कर रही हूँ। और थोड़ा सा आईलिड एरिया क्योंकि मेरी आईलिड्स थोड़ी सी ऑयली हैं, दैट्स इट। बाय द वे ये जो टॉप है ये कोल्ड शोल्डर टॉप ये मैंने खुद से स्टिच किया है, अभी मुझे स्टिचिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो ये मैंने खुद से स्टिच किया। लाइफ में पहली बार कुछ स्टिचिंग की है, आई डोंट नो कितना अच्छा है बट प्लीज़ यू लेट मी नो ये कैसा लग रहा है, लाइक मुझे ओके टाइप लगा। घर में वीडियोज़ के लिए मैं ये डेफिनेटली पहन सकती हूँ। तो मेरी आईब्रो हो गई हैं और मेरा जो बेस था वो सेट हो गया है। उसके बाद आते हैं अपनी आई मेकअप पे। जब मैं कॉलेज जाती थी तब मुझे काजल लगाना बहुत पसंद था उस टाइम पे, तो मैं बस काजल लेके बस वाटर लाइन पे लगा लेती थी, दैट्स इट। बट अभी मुझे काजल उतना पसंद नहीं है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वाटर लाइन पे भी काजल लगा सकते हैं या एज अ लाइनर लगा सकते हैं। आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगी जो कि ना वाटर लाइन पे है ना लाइनर पे है, लेकिन स्टिल अगर आप ये करेंगे तो आपकी आईलैशेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक और अच्छी दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी काजल पेंसिल लें। आई एम यूजिंग हेयर फेसेस लॉन्ग वेयर आई पेंसिल क्योंकि बहुत क्रीमी है, इजी टू अप्लाई है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। क्या करना है आपको, जो आपकी लैशेज़ होती हैं आपको काजल उसमें उस गैप में फिल करना है, ना वाटर लाइन में लगाना है ना एज अ लाइनर लगाना है, आपको बस उस गैप में फिल करना है। अगर आपके पास कोई पाउडर है या जेल आईलाइनर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं, इस पर मैंने काजल लगाया है सिर्फ अपनी जो आईलैशेस हैं उनके गैप को फिल करने के लिए और इसमें नहीं है, तो दिस लुक्स वेरी नेचुरल। मतलब मुझे एवरीडे यूज़ के लिए ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगती है। इट्स द ऑप्शनल स्टेप, अगर आप मस्कारा लगाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन मुझे एवरीडे यूज़ के लिए मस्कारा लगाना उतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज एक तो ये वाटरप्रूफ मस्कारा होते हैं और अगर आप एवरीडे यूज़ पे लगाएंगे तो आपकी आईलैशेस को थोड़ा सा तो ये फॉल आउट भी हो जाता है और बहुत उतना केमिकल आपको हर दिन क्यों ही लगाना है, राइट। सो इट्स ऑप्शन, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज एवरीडे यूज़ के लिए कॉलेज पर्पज़ के लिए मैं मस्कारा हमेशा स्किप करती हूँ, सिर्फ काजल और ये। उसके बाद आते हैं फाइनल स्टेप पे जो कि है लिपस्टिक। आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर यू। अगर आप थोड़ा सा ब्राइट बोल्ड कलर लगाना चाहें तो इस तरीके के लिप बाम जो आ रहे हैं टिंटेड लिप बाम्स, ये मेबेलिन का लिप बाम है, मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है। आई हैव ऑलरेडी डन अ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के लिप बाम भी लगा सकते हैं बिकॉज़ ये बहुत मॉइस्चराइजिंग होते हैं। और इसमें दूसरा शेड जो है ये बेबी लिप का, अगेन फ्रॉम मेबेलिन, और ये है सिनेमन। यस दिस इज़ सिनेमन। जिन लोगों को ब्राउन शेड पसंद है वो ये वाला शेड लगा सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यूज़ कर चुकी हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट है जो कि मैं यूज़ कर लूँगी बहुत ही जल्दी। और तीसरा जो है वो है लिपस्टिक, लेकिन न्यूड लिपस्टिक। सो एवरीडे यूज़ के लिए मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। अगर आप चाहें आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं तो आप लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर दिस लुक आई एम गोइंग विद द लिपस्टिक। दिस वन इज़ फ्रॉम स्टे क्विर्की इन शेड नंबर 11। सो ये मैट लिपस्टिक है और इट स्टेज फॉर लाइक 2-3 आवर्स। अगेन आई हैव डन अ फुल रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ वेल, अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सो येस फॉर मी दिस इज़ द लुक। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी करने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कॉलेज में हम जाते हैं लाइक पढ़ने के लिए, मस्ती करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कॉलेज जाने से पहले बहुत सारा ब्लश लगाऊं, हाइलाइटर लगाऊं, कॉन्टोर करूं। फॉर मी दिस इज़ द प्रैक्टिकल मेकअप लुक जो कि आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है, फ्रेश लगता है और आप क्यूट दिखते हैं।
So yes, I hope you guys enjoyed watching this video. If you have any suggestion, then please do leave it in the comment bar. Hit the like button, share my video and subscribe to both of my channels, Omni Styles and V Traveler. And I will see you in my next video. Till then, bye bye.